हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने जो पार्ट सेकंड पढ़ा था, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर चला रहे हैं, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आई मैं फाउंड पाया माई सेल्फ स्वयं को समवॉट कुछ रिफ्रेश तरोताजा, बट किंतु आई मैं वॉज था एक्सट्रीमली अत्यंत हंग्री भूखा। अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ तरोताजा पाया किंतु मैं अत्यधिक भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट एनफ फॉर मी टू सी माय सराउंडिंग्स आई नोटिस दैट आई वाज नियर अ लार्ज शिप। एज सुन एज ज्यों ही इट या बिकेम हुआ लाइट प्रकाश एनफ पर्याप्त फॉर के लिए मी मुझे सी देखना माई मेरा सराउंडिंग्स चारों ओर। आई मैं नोटिस ध्यान दिया दैट कि आई मैं वॉज था नियर पास में लार्ज शिप बड़े से पानी के जहाज। तो जैसे ही मेरे अपने चारों ओर देखने हेतु पर्याप्त रूप से प्रकाश हुआ, उजाला हुआ, तो मैंने ध्यान दिया कि मैं एक बड़े से पानी के जहाज के पास में हूँ। इट सीम्स टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। इट सीम्स ऐसा प्रतीत हुआ भी होना अनलोडिंग उतारा जाना कार्गो सामान ऑफ काकी के पिग आयरन कच्चा लोहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस पानी के जहाज से कच्चे लोहे का सामान नीचे उतारा जा रहा था। I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. तुरंत वेसल पानी का जहाज एंड और आज कहा कैप्टन परमिट अनुमत देना मी मुझे हेल्प सहायता करना अनलोड उतारना वेसल पानी का जहाज इन ऑर्डर टू ताकि गेट पाना मनी धन फॉर के लिए फूड भोजन। मैं तुरंत पानी के जहाज की ओर गया और मैंने कप्तान से जो है पानी के जहाज से सामान उतारने में मदद करने की अनुमति करने की प्रार्थना की के लिए कहा मैंने, और ताकि मैं भोजन के लिए धन प्राप्त कर सकूं। मैंने कप्तान से प्रार्थना की कि मुझे पानी के जहाज से ये सामान उतारने दिया जाए ताकि मुझे कुछ धन मिल सके जिससे मैं कुछ भोजन खरीद सकूं। द कैप्टन अ वाइट मैन हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड कंसेंटेड। कैप्टन वाइट मैन गोरा व्यक्ति हु जो प्रतीत हुआ सेम प्रतीत हुआ काइंड हार्टेड दयालु कंसेंटेड सहमति दे दी। कप्तान जो कि एक गोरा व्यक्ति था वो दयालु था, उसने मुझे सहमति दे दी। आई वर्क लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट एंड इट सीम टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन। तो कह रहे हैं कि आई में वर्क कार्य किया लॉन्ग इनफ लंबे समय तक अर्न कमाना मनी धन फॉर के लिए माई मेरा ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता। मैंने अपने सुबह के नाश्ते के लिए धन कमाने के लिए वहाँ हेतु वहाँ पर लंबे समय तक कार्य किया एंड और इट या सेम प्रतीत होता है मैं मुझे एज जैसा आई मैं रिमेंबर याद करता हूँ इट इसे नाउ अब और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि अब मैं याद करता हूँ हैव बीन साइकिल अबाउट लगभग बेस्ट सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता दैट जो आई मैं हैव एवर कभी ईटन किया और ऐसा मुझे प्रतीत होता है जैसा कि अब मैं याद करता हूँ कि ये मेरे द्वारा किए गए सर्वोत्तम नाश्तों में से एक था जो मैंने कभी किया था। इतनी मेहनत करने के बाद जो नाश्ता मिले तो उसमें स्वाद तो होता ही है। खैर हम लोग नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे। माई वर्क मेरा कार्य प्लीज प्रसन्न कर दिया कैप्टन सो इतना वेल अच्छा दैट की ही वर टोल्ड कहा मी मुझे आई मैं कुट सका कंटिन्यू जारी रखना वर्किंग कार्य करना फॉर के लिए स्मॉल अमाउंट छोटी धनराशि पर डे प्रतिदिन। मेरे कार्य ने कप्तान को इतना अधिक प्रसन्न कर दिया कि उसने मुझसे कहा कि मैं प्रतिदिन छोटी धनराशि पर कार्य करना जारी रख सकता था। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू। दिस या आई मैं वॉज था वेरी बहुत ग्लैड प्रसन्न डू करना या करने में तो मैं बहुत प्रसन्न था। मुझे तो और क्या चाहिए था, मुझे तो यही काम चाहिए ही था। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज। आई मैं कंटिन्यूड जारी रखा वर्किंग कार्य करना ऑन पर दिस या वेसल पानी के जहाज फॉर अ नंबर ऑफ डेज यानी कुछ दिनों के लिए। मैंने कुछ दिनों के लिए पानी के जहाज पर कार्य करना जारी रखा। After buying food with my small wages, there was not much left to pay my way to Hampton. After बाद में buying खरीदना food भोजन with साथ में my मेरे small छोटे wages दिहाड़ी मजदूरी there was था not नहीं much अधिक left छोटा बचना pay अदा करना my मेरा वे रास्ता Hampton। कह रहे हैं कि मेरी small छोटी मजदूरी से भोजन खरीदने के बाद मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए रास्तों के खर्चे के लिए धन नहीं बचता था।
In order to economize in every way possible, I continued to sleep under the sidewalk. In order to के कारण economize बचत करना इनमें every way possible यानी हर संभव तरीके से आई मैं continued जारी रखा sleep सोना under नीचे sidewalk footpath के नीचे तो हर संभव तरीके से बचत करने के कारण मैंने उस फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखा. Next पैरा When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. When जब मैं आई मैं had saved बचाया enough पर्याप्त मनी धन with साथ में with जो reach पहुंचना Hampton. जब मैंने Hampton पहुंचने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया आई मैं thank धन्यवाद दिया कैप्टन को of काके के vessel पानी जहाज for के लिए उसकी kindness दिया. तब मैंने पानी के जहाज के कप्तान को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया. एंड और स्टार्टेड शुरू किया अगेन दोबारा और मैंने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की. विदाउट एनी अनयूजुअल अक्रेंस आई रीच्ड हैम्पटन विद अ सरप्लस ऑफ एक्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगिन माय एजुकेशन. विदाउट बिना एनी कोई अनयूजुअल असाधारण अक्रेंस घटना आई मैं रीच्ड पहुंचा हैम्पटन विद साथ में सरप्लस बढ़त ऑफ काकी के एग्जैक्टली बिल्कुल 50 सेंट 50 सेंट विद साथ में जो बिगिन शुरू किया करना माई मेरा एजुकेशन शिक्षा. कह रहे हैं कि और जब मैं हैम्पटन पहुंचा तो मेरे पास अपनी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए लगभग 50 सेंट्स थे. द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick स्कूल बिल्डिंग सीम टू हैव रिवॉर्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस. फर्स्ट प्रथम साइट दृष्टि में लार्ज बड़ी 3-story brick 3 मंजिला ईंट का स्कूल भवन बिल्डिंग माने भवन सीम प्रतीत हुआ है. सैक्रिया रिवॉर्डेड पुरस्कार देना मी मुझे फॉर ऑल दैट उन सब चीज़ों के लिए आई मैं एट सैगी अंडरगॉन सहा इन ऑर्डर टू कारण रीच पहुंचना प्लेस स्थान. तो प्रथम दृष्टि में वो बड़ी 3 मंजिली ईंट की बन का जो बना हुआ भवन था वो मुझे उन सब चीज़ों के लिए जो हैम्पटन पहुंचने के लिए मुझे रास्ते में परेशानियां उठानी पड़ी सहन करनी पड़ी उन सब चीज़ों के लिए मुझे पुरस्कार के रूप में प्रतीत हुआ. द साइट ऑफ इट सेम टू गिव मी न्यू लाइफ साइड दिश ऑफ काकी के आइडिया सेम प्रतीत हुआ गिफ्ट देना मी मुझे न्यू लाइफ नया जन्म. और उस भवन का जो दृश्य था उसने मुझे नया जीवन दिया. अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास. एज सुन एज जो ही पॉसिबल संभव आफ्टर बाद में रीचिंग पहुँचना ग्राउंड जमीन ऑफ काके के हैम्पटन इंस्टीट्यूट आई मैं प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया माई सेल्फ स्वयं को बिफोर सामने हेड टीचर प्रधानाध्यापिका फॉर के लिए असाइनमेंट टू अ क्लास यानी कक्षा के लिए परीक्षा वगैरह जो कराई जाती है. तो जितना जल्दी संभव हो सके हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सका मैंने अपने आप को कक्षा के लिए टेस्ट वगैरह के लिए प्रधानाध्यापिका के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया. Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impression upon her. Having been sakriya so long, bahut adhik without bina proper food, uchit bhojan, bath, snan and or change of clothing, yani kapda badalna, I made it sakriya not, nahi, of course, besak make banaya, ek very bahut favorable, bahut hi apne paksh mein, impression prabhav upon upar har unke, kafi dinon se bhojan na karne ke, कारण स्नान ना करने के कारण और कपड़ों को बदलने के ना कारण निश्चित रूप से मैंने उनके ऊपर अपने पक्ष में कोई भी अच्छा प्रभाव जो है नहीं डाला. आई कुड सी एट वंस दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट. आई मैं कुड सकता था सी देखना एट वंस तुरंत दैट की देयर वहाँ वर्थ ए डाउट्स संदेह इनमें हर उनके माइंड दिमाग अबाउट बारे में विजडम बुद्धिमानी ऑफ काकी के एडमिटिंग प्रवेश करना मी मुझे एज की तरह स्टूडेंट विद्यार्थी. और मैं देख सकता था कि उन्हें उनके मन में मुझे एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देने की बुद्धिमानी पर उनके मन में अनेक संदेह था. फॉर सम टाइम सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी नीदर डिड सी डिसाइड मी इन माई फेवर. फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए सी वर डिड साइक्रिया नॉट नहीं रिफ्यूज स्वीकार किया एडमिट प्रवेश करना मी मुझे नीदर ना तो डिड साइड या सी वर डिसाइड निर्णय किया इनमें माई मेरे फेवर पक्ष में. कुछ समय तक तो उन्होंने ना मुझे प्रवेश करने से अस्वीकार किया ना ही मेरे पक्ष में निर्णय दिया. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज हो गया है. बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे.
थैंक यू वेरी मच।